बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक विवादित बयान दिया है, वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेके, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो है एक ड्रामा था। महात्मा गांधी को महात्मा कहे जाने पे उनका खून खौलता है, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं निराश होके अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी दी, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और सत्याग्रह जो है वो पूरी तरह से फेक था। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर सिरगिल हैं। पहले ये लोग अब तक नेहरू तक पहुंचते थे, अब गांधी तक भी पहुंच गए और सीधा सीधा अपमान। आपको लगता है कि ये देशद्रोह के दायरे में आना चाहिए? सबसे पहले तो अनंत कुमार हेगड़े पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अ केस ऑफ सेडिशन शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट अनंत कुमार हेगड़े फॉर इंसल्टिंग द फादर ऑफ द नेशन। दूसरा, हिंदी की कहावत है, वक्त के साथ हालात बदल सकते हैं पर जज्बात नहीं। अनंत कुमार हेगड़े उस संगठन से हैं जो जज्बाती तौर पर हमेशा गोरों की चमचे रहे हैं, गोरों के जासूस रहे हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका विरोध किया, तिरंगे का विरोध किया, संविधान का विरोध किया। भाजपा के जो जिस प्रकार गॉडसे भक्तों की संख्या भाजपा के अंदर बढ़ रही है, भाजपा को अपना नाम बदल के अब नथुराम गॉडसे पार्टी रख देना चाहिए। गोली मारो का नारा, बापू के महात्मा कहलाने पर खून खौलना, संविधान में विश्वास ना रखना, भारत को एक हिंसा और सांप्रदायिकता के राह पे ले जाने वाला सपना है। जो 1948 में नथुराम गोडसे के महात्मा की हत्या करने के बाद भी देश को बांटने का और जहर फैलाने का सपना नहीं पूरा हुआ, अब 2020 में भाजपा के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री वो पूरा करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न तो अब प्रधानमंत्री पर उठता है। प्रधानमंत्री का अब वो इम्तिहान की घड़ी आ गई है। प्रधानमंत्री को अब सबूत देना पड़ेगा कि वो गॉडसे के भक्त हैं कि बापू के भक्त हैं, कि प्रधानमंत्री प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, अब अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ भी नहीं करेंगे। देखिए, भाजपा का दो चेहरे हैं, एक इश्तेहारबाजी वाला चेहरा, एक जमीनी वास्तविकता का चेहरा। भाजपा का असली रूप रंग है कि मुंह में राम, दिल में नत्थू राम, हाथ में छुरी और भड़ाओ समाज में दूरी, ये उनका चाल चरित्र चलन है। आपने शब्द पैटर्न का इस्तेमाल किया, पैटर्न भाषणबाजी में हो सकता है, पर जब से भारत की आज़ादी की लड़ाई हुई, जब से नथुराम गोडसे ने गोली चलाई और आज भी जो दो गोलियां चली हैं, मानसिकता और एक ही है कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाओ, मुल्क में और इस देश में हिंसा फैलाओ, समाज को जात पात पे बांटो, तो अब तभी ये इनकी इनकी नियत क्या रंग है कि आज देश में युवाओं को नौकरी तो नहीं मिल रही पर देसी कट्टे आराम से मिल रहे हैं जिससे वो गोलियां चला रहे हैं, ये सब भाजपा की देन है। एक आखिरी सवाल, संसद का सत्र भी चल रहा है और अनंत कुमार हेगड़े सांसद भी हैं, तो आपको लगता है कि चाहे सत्ता पक्ष या प्रधानमंत्री या गृहमंत्री की तरफ से देश को आश्वस्त करना चाहिए कि जो अनंत कुमार हेगड़े की सोच है वो बीजेपी की सोच नहीं है और इसको लेके एक सफाई आनी चाहिए केंद्र जो शीर्ष नेता है बीजेपी की उनकी तरफ से? आप सफाई की मांग कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। अब आप देखिए कि भाजपा के लोग बापू के इस अपमान पे इसी पार्लियामेंट और सदन पे खड़े होकर तालियां मारेंगे और जश्न मना रहे होंगे। तभी मैंने कहा भाजपा का नाम नथुराम गोडसे पार्टी रख देना चाहिए, चाहे वो माफ़ी मंगवा लें, ये लीपा पोती का काम है। प्रधानमंत्री को सही मायने में गांधी प्रेम को साबित करना है तो प्रज्ञा ठाकुर, अनंत कुमार हेगड़े को भाजपा से बर्खास्त करें और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें, नहीं तो ये फिक्स्ड मैच है, जैसे कहा कि इश्तेहारबाजी में बापू, जमीन पे नथुराम गोडसे के अच्छे दिन आए हुए हैं।